हूँ जिहड़ा चंडीगढ़ का मसला ये तो मतलब बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं कि पंजाब नूं वंगार आ, पंजाब दी मुछ नूं हथ पाउण वाली गल आ और बिल्कुल गैर विधानक किसी तरह ना मनण वाली गल आ। दुख इस गल दा कि पंजाब दे मुख्यमंत्री साहब केवल बयानबाजी तक ही सीमित ने, बल्कि चंडीगढ़ के मसले विच तां किते ना किते मतलब दूजे केंद्र की बोली जां हरियाणे की बोली विच हां विच हां मिला रहे ने। सो इस गल नूं असीं बड़ी संजीदगी नाल लिया, गंभीरता नाल लिया और महसूस किया कि चंडीगढ़ पंजाब रीओरगनाइजेशन एक्ट जिहड़ा बनिया हरियाणा पंजाब की वंड च जिहड़ा फार्मूला तय होया, उस फार्मूले के तहत चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा ये वक्ती तौर पर टैंपरेरी तौर पर यूटी बनाई सी, जिवें कहिंदे अग लैण आई चुल्हे की मालक बन बैठी, ये पक्के मालक बन के बैठ गए, जिहड़े किसी तरह नहीं हो सकता। चंडीगढ़ पंजाब दी आ ते पंजाब दा हिस्सा, अज तक जिन्हें भी हरियाणा पंजाब बन तो बाद कोई कमीशन बने, कोई फैसले होए, ईवन पार्लीमेंट दे विच भी लौंगोवाल राजीव अकार्ड नूं जानी पार्लीमेंट दे विच प्रवान किया गया ते चंडीगढ़ उहदा पंजाब दा हिस्सा मन्निया गया। सो हरियाणे ने अज असीं महसूस किया जे हरियाणे ने राजधानी बनाउणी आ ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 40% ਦਫ਼ਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। कानूनी तौर पर की बन सकती है, पक्ष दो मैंबरी कमेटी बनाई है, डॉक्टर दलजीत सिंह जी चीमा ते महेश इंदर सिंह जी गरेवाल, भी यह कानूनी मारा ना राय करके जे कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि ऑनरेबल गवर्नर पंजाब भावें चंडीगढ़ के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने तकनीकी तौर पर कानूनी तौर पर की हक रखते हैं, वो भी असी समीक्षा करांगे कानूनी मारा ना रल के। पर साडा कहना भी इखलाकी तौर पर भी जे मन्या जावे तां किसे तरह भी किसे दी चीज़ दूजे नूं देण दा हक नहीं है, ते पंजाब दी राजधानी दा 1 इंच हिस्सा भी हरियाणे नूं देण दा गलती ना करन गवर्नर साहब। असीं उहनां नूं अज अपील भी कीती आ ते इक समां भी मंगिया, श्रोमणी अकाली दल दा एक डेलीगेशन उहनां नूं मिल के भी आएगा, पहलां भी असीं जा के आए सी, पहलां भी असीं उहनां नूं जानकारी दे के आए सी, ते हुण असीं उहनां नूं फिर जानकारी देण चले आ जदों समां मिलिया, मतलब इस हफ्ते दे विच कि तुसीं किसे तरह भी हरियाणे दे वल्लों जिहड़ी चिट्ठी आई है उहनूं प्रवान ना करन, ते पंजाब दा इह इक बड़ा अहम मसला उहनूं किसे तरह भी पंजाब दे लोकां दे जज्बातां नाल ना खेडण। इह चंडीगढ़ जिहड़ा है किसे कीमत ते असीं हरियाणे नूं इहदी 1 इंच धरती देण लई तैयार नहीं हाँ, इह स्पष्ट तौर ते गवर्नर साहब नूं असीं कहण जाणा, ते कानूनी तौर पर जिहड़ी राय आएगी फिर उहदी समीक्षा करांगे, ते जे कोई कार्रवाई नहीं हुंदी तां अग्गे की कदम लैणा ते उहनूं गवर्नर साहब दे मिलण तों बाद असीं उहदी समीक्षा। बाउंड्री पार्लीमेंट तोड़ सकदी है नहीं तोड़ सकदी, असीं इह भी सोचिआ जिहड़ी कानूनी माहर दी राय लैणी उहदे ते आ भी जिहड़ी बाउंड्री आ किसे स्टेट दी उह इह यूटी दी आ, भावें बणाती आ ते टैंपरेरी आ पर है पंजाब दी, ते जिहड़ी बाउंड्री आ उह पार्लीमेंट तां बदल सकदी उधर उधर, ईवन पिंड दा नां नहीं बदल सकदी कोई सूबे दी सरकार, गवर्नर साहब कि बदल देणगे ते बाउंड्री गवर्नर साहब किवें मतलब चेंज कर सकदे आ बिना पार्लीमेंट दे विच प्रवानगी लए। सो इस करके कई कानूनी उलझणां खड़ियां होणियां, बदोबदी लड़ाई च ना झोकण दो सूबिआं नूं, इस गल तों थोड़ा जिहा ध्यान रखण। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ते साहब महेश इंदर सिंह गरेवाल जिहड़े कानूनी मारा नाल आ के बैठ के इहदी कानूनी प्रक्रिया की हो सकदी, असीं उह वी लड़ाई लड़ांगे, असीं जनतक लड़ाई भी लड़ांगे। श्रोमणी अकाली दल असल च जनतक लड़ाई लड़न दा इक परंपरा इक इतिहास आ, असीं उस लड़ाई लई समुचे पंजाब नूं इकट्ठा करांगे, जिन्हां जिहड़े पंजाब दे हमदर्द ने, जिन्हां च पंजाबीयत आ, जिहड़े पंजाब नाल लगा रखदे ने, मोह रखदे ने, भावें उह किसे पार्टी दा होवे, असीं समुचे पंजाबीआं नूं इक मत इक मंच एक जुड़ता ले भी अपील करांगे, इस अहम मुद्दे ते सारे इकट्ठे होके चलन। तो